ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने चैनल डॉक्टर कॉफलिन इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है कोहिनूर हीरे का इतिहास। प्रायः ये बड़ा दिलचस्प प्रश्न होता है कि कोहिनूर हीरा क्या था, यह कब अस्तित्व में आया, भारत में किन किन राजघरानों के बीच में घूमता हुआ, वर्तमान में ये कहां है। तो इस पे बड़ा सीधा सा सवाल है कि दक्षिण भारत में अस्तित्व में आया 13वीं शताब्दी में, और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया, उत्तर भारत से ये अफगान में गया, अफगान से फिर भारत आया, और वर्तमान में ये ब्रिटेन में राज मुकुट की शोभा बढ़ा रहा है महारानी के। इस संदर्भ में एक तथ्यपरक सारगर्भित और संक्षिप्त जानकारी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दक्षिण भारत में गोलकुंडा की खुदाई में एक श्रमिक के हाथ सबसे पहले 13वीं शताब्दी में यह कोहिनूर हीरा हाथ लगा। उस श्रमिक ने उस समय काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव को भेंट कर दिया। तेलंगाना के शासक ने जब इसका मूल्य निकाला तो इसका मूल्य उस समय यह था कि इसका वजन लगभग 320 रत्ती था, और पूरे दुनिया भर के लोगों को ढाई दिन तक भोजन कराने में जो खर्च आता वह इस एक हीरे के बराबर था। यानी इतना बहुमूल्य था कि पूरी दुनिया भर के लोगों को ढाई दिन तक भोजन कराया जा सकता था इस एक हीरे के मूल्य से। स्वाभाविक सी बात है कि इतना बहुमूल्य हीरा जिसके पास हो लुटेरों की नजर तो पड़ेगी, और ऐसे ही एक लुटेरा दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था वह था बेहद लालची, जिसका नाम था मलिक कफूर, और दक्षिण भारत के विजय अभियान का पूरा श्रेय मलिक कफूर को दिया जाता है। इस हिजड़े ने जब काकतीय शासक ये प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया तो संधि के दौरान इस कोहिनूर हीरे पर भी समझौता किया, और इस हीरे को 1310 में वह हासिल करने में सफल रहा मलिक कफूर, सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का। जब वो उत्तर भारत में गया तो अलाउद्दीन खिलजी को यह डायमंड या कोहिनूर हीरा भेंट किया, और अलाउद्दीन खिलजी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि इसकी कीमती रत्न से जो निकलने वाली चमक थी वह चकाचौंध कर देने वाला था। बेहद आकर्षक डायमंड था और इसका बड़ा नाम सुना गया था, वह अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच चुका था। इस तरह से यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत में चला आया। इसके बाद पूरे दिल्ली शासकों के बीच में यह राजघराने की शोभा बढ़ाता रहा, यानी खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोदी वंश, और लोदियों में जब सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तब यह दिल्ली से आगरा आ गया। अब यह आगरा की शोभा बढ़ाने लगा। सिकंदर लोदी के बाद जब इब्राहिम लोदी आता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, उस दौरान पानीपत के प्रथम युद्ध में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है। उसका फायदा उठा करके ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य सिंह ने आगरा पर आक्रमण कर दिया और आगरा पर अधिकार कर लिया, और इस तरह से यह कोहिनूर हीरा विक्रमादित्य सिंह के हाथ लगा और यह आगरा से ग्वालियर आ गया। लेकिन जब हुमायूं ने ग्वालियर पर अधिकार किया तो फिर यह हीरा पहुंच गया दिल्ली मुगल बादशाहों के घराने में, और फिर वहां से एक लंबे इतिहास को यह नापता हुआ, यानी कि अकबर के पास गया, फिर जहांगीर के पास आया, फिर शाहजहां के पास आया, फिर औरंगजेब के पास आया, उसके बाद उत्तर मुगल बादशाहों में बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख शेर, रफीउद्दरजत, रफीउद्दौला के बाद मुहम्मद शाह के पास पहुंच गया यह हीरा। और मुहम्मद शाह के पास आने के साथ इसमें विदेशी जो कि नादिर शाह, जिसे हम ईरान के नेपोलियन के नाम से अपनी वीडियो दे चुका हूं, वह आक्रमण करता है करनाल युद्ध में 1739 में, और उस दौरान जब वो दिल्ली पर आक्रमण करता है तो नादिर शाह के समझौते के तहत मयूर सिंहासन के साथ साथ एक कोहिनूर हीरा भी हमारे देश से बाहर चला जाता है। इस तरह से ये 18वीं शताब्दी के मध्य आते आते यह डायमंड हमारे देश के बाहर चला गया पहली बार। वहां से फिर यह उसके बेटे यानी कि युग के मोती दुरानी के समय यानी कि अब्दाली के हाथ आता है, फिर अफगान के शासक शाह सूजा के हाथ लगता है, और 1809 में रणजीत सिंह
को यह हीरा सासूजा से प्राप्त हो जाता है। जब रणजीत सिंह के पास आ जाता है तो यह हीरा फिर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में प्रवेश कर जाता है और वहां से उनके बेटे यानी कि दिलीप सिंह, महाराजा दिलीप सिंह के मुकुट की शोभा बढ़ाता है। इसी दौरान जब 30 मार्च 1849 में गुजरात युद्ध में अंग्रेजों से महाराजा दिलीप सिंह पराजित हुआ, तब यह हीरा डलहौजी के हाथ लग जाता है। डलहौजी उस समय के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वायसराय था। उसने अपने महारानी को खुश करने के लिए यह हीरा 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटेन भेजवा देता है और आज के दिन में यह हीरा ब्रिटेन की महारानी की शोभा बढ़ा रहा है। बर्किंगहम पैलेस में सुरक्षित है। इस बहुमूल्य खजाने को बहुमूल्य खजाना कानून के तहत भारत में लाने का बहुत प्रयास हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी अड़चने हैं और अड़चने ये हैं कि ब्रिटेन में बहुमूल्य खजाना कानून का विरोध हो रहा है और इस विरोध के चलते थोड़ी संदेहास्पद स्थिति है, बट अधिक दिनों तक नहीं, क्योंकि ध्यान दिया जाए कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी अंतरराष्ट्रीय निजी कानून एकीकरण संस्थान द्वारा तैयार किया गया एक मसौदा संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में पेश किया गया है, जिसमें कोई भी देश अपने देश के खजाने के वापसी की दावा कर सकता है। यह मसौदा रोम में जून 1995 में बनाया गया था। इस मसौदे में पुरातत्व महत्व के स्थलों से ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सूचनाओं या खजानों की चोरी रोकने के लिए भी प्रावधान किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने सिलसिले में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है और ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया है इस समिति ने कि वह इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बदले चोरी किए गए या अवैध खजाने के कारोबार के खिलाफ 1970 की यूनेस्को संधि पर हस्ताक्षर करे। समिति ने संयुक्त राष्ट्र की संधि पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया है। अब देखना यह है कि यदि ब्रिटेन इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है कि नहीं। यदि कर देता है तो यह डायमंड भारत में आने के योग्य हो जाएगा, यानी सारी कानूनी अड़चनें दूर हो जाएंगी, और यदि हस्ताक्षर नहीं किया जाता तो अभी भी इसे भारत में आने के अड़चनें दिखाई देते हैं। चूंकि आशा ही जीवन है, इसलिए आशा की जानी चाहिए कि भारत की यह बहुमूल्य रत्न, भारत की यह संपदा, भारत की यह धरोहर, भारत की यह एक ऐतिहासिक स्टोन अवश्य भारत में आएगी और इसकी जितनी भी अड़चने हैं वर्तमान सरकार से आशा की जा सकती है कि उसे वो दूर करने का प्रयास कर रहा है और सफल भी होगा। अंततः सुबह का भूला शाम देर से आ गया, तो उसे भूला नहीं कहते, जो कोहिनूर हीरा अपने देश में पुनः आएगा, ऐसा हमें विश्वास है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।